गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं एम एस श्रृंगारी पब्लिक स्कूल की तरफ से कुछ प्यारा सा वीडियो लेके आई हूँ, जिसे आप सब देखिएगा, एंड तक देखिएगा। कोशिश है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी। ओके, आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं री की मात्रा। ओके, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे बड़ाव की मात्रा पढ़े थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो बैक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम सब री की मात्रा पढ़ने जा रहे हैं। तो री में हमारा दिया हुआ है वृक्ष, व दिया हुआ है, व में हमारा क्या लगा हुआ है? व्री। तो हमारा क्या बन गया? वृक्ष। व में हमारा री की मात्रा लगा है तो हमारा क्या बन गया? वृक्ष। नप्र, अगर न में हम री की मात्रा लगाएं तो क्या बन गया हमारा? निप्र। मृग, म में हमारा क्या लगा हुआ है? री की मात्रा, तो हमारा क्या बन गया? मृग। दृग, दृग, तो हमारा द में क्या लगा हुआ है? री की मात्रा। आप लोग बोल कैसे ट्राई कर सकते हो? दृग, गृह, कृषि, कृष्ण, कृपाण, पृथ्वी, इस समय हमारा क्या लगा हुआ है? री की मात्रा। तो री की मात्रा आप लोग को कहाँ यूज़ करना है वो आप लोग बोलने पे खुद पता चल जाता है ना। अगर हम सब बोलते हैं वृक्ष, तो वी में हमारा व जो है उसमें हमारा क्या आ रहा है? री की मात्रा आ रहा है। व में हमारा क्या आ रहा है? री की मात्रा। तो हमारा तो आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना कि हमारा री की मात्रा कहाँ लगेगा? वृक्ष। तो व में हमारा आ रहा है री की मात्रा, तो हम कहाँ लगाएंगे? व में हम री की मात्रा लगाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा? वृक्ष। वैसे ही हमारा है कृष्ण, तो हमारा कृष्ण, आप लोग बोल के देख सकते हो कृष्ण, तो हमारा री की मात्रा किस में आ रहा है? क में। क में हमारा री की मात्रा आ रहा है तो हम किस में लगाएंगे? क में। री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? कृष्ण। कृपाण, क्या बन रहा है हमारा? कृपाण। किसमें लगाना है? क में, इससे हमारा बन जाएगा कृपाण। आगे हमारा ऐसे ही आगे आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है वृषभ, कृतज्ञ, कृपण, हृदय, घृणा, अमृत, मृदु, त्रिशणा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि री की मात्रा कैसे यूज़ करना है। तो सही पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप अपने बच्चों को घर पे वैसे ही पढ़ाइए। पढ़ा के वीडियो बना के हमारे जो एम एस श्रृंगारी पब्लिक स्कूल का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ज़रूर सेंड करें। और ये पढ़ाई के लिए आप लोग को बुक्स लेना तो बहुत ज़रूरी है, ऐसे तो बच्चे अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। आप लोग बुक्स ले लेंगे तो वो बुक्स में देखेंगे कि हमें कैसे पढ़ाई करना है, क्या पढ़ाई करना है। तो आप लोग जल्द से जल्द बुक्स को ले लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आऊँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।